नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जाने आज बिजनेस में कैसे होगा फायदा, हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा दिन, नौकरी और करियर में कैसा बीतेगा दिन, रोमांस के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अब जानते हैं 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार, आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास भाद्रपद है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु शरद ऋतु है। आज द्वादशी तिथि रात 11:52 तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पुष्य नक्षत्र रात 8:01 तक है, इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग पारिव योग रात 12:14 तक रहेगा, इसके बाद शिव योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:04 तक होगा, आज चंद्रोदय रात 3:24 तक होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। आज राहु काल शाम 7:37 से शुरू होकर सुबह 9:11 तक रहेगा। आज अजा एकादशी पारण है। अब जानते हैं 11 सितंबर 2023 आज का राशिफल सभी राशियों के लिए कैसा बीतने वाला है आज का दिन। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से। प्रिय मेष राशि, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है, आप अपने लचीलेपन में सुधार लाने और प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकते हैं। आप समस्याओं से बच नहीं सकते क्योंकि वे आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आशावादी सोच किसी भी तरह की स्थिति को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता में सुधार करेगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप अपने साथी को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित पाएंगे, इस आकर्षण का आनंद उठाकर आपस में बांटें। आपका साथी इस प्यार के प्रदर्शन में सुख प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं आपकी करियर की। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको थोड़ी परेशानी होगी। ध्यान रखें कि आप जितने ऊंचे पद पर होते हैं नौकरी बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही आपको नौकरी बदलने से पहले सभी अच्छी बुरी बातों पर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। अगर आपने निश्चय कर भी लिया है तो आप अपनी तलाश शुरू कर सकते हैं। आपको खबर मिलेगी कि जो चीज आपके लिए काफी मायने रखती थी या फिर बड़ी ही कीमती थी वो आज नष्ट हो गई है। आपको अपने आप को काबू में रखना होगा। हो सकता है कि इसकी कीमत काफी अधिक हो अथवा आपका इससे संवेदनशील जुड़ाव हो। दोनों ही दशाओं में आपको दुख होना ही है। इन भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह का त्याग करें, अपना समय परिवार व दोस्तों के साथ गुजारें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपको कुछ तनाव हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है कि आप पता लगाएं कि आपको अस्थायी तकलीफ है या स्थायी। आप वह कार्य करें जिसमें लाभ मिले और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अगर आप लंबे समय तक परेशान हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। आज के लिए आपका शुभ रंग गुलाबी है। शाम 4 से 6:30 का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का राशिफल। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दे सकता है। आप आराम महसूस करेंगे, काम पर आपको लाभ होगा, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, आपकी आय में वृद्धि हो रही है। आपको सावधान रहना चाहिए, अपने बजट को बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आज आपके संबंध में तनाव रहेगा जिसका असर आपकी रोमांटिक जिंदगी पर पड़ेगा। हर विषय पर साथी से बात कर अपनी भावनाएं प्रदर्शित कीजिए, गलत फहमियों को दूर कीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपकी योजना है तो आज आपको कोई नई परियोजना शुरू करनी चाहिए। इस दिशा में आज आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आज आप अपने नए काम की शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में आपको लाभ ही होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आज आपको वित्तीय क्षेत्र से एक अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यदि आप अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा किसी नवीन व्यापारिक प्रस्ताव के पाने की उम्मीद कर रहे हैं तब आज इसके बीच आने वाली रुकावट हट जाएगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आज आप अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। आप छोटी बातों से परेशान होकर अपने तनाव का स्तर बढ़ा लेते हैं। आप अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें क्योंकि आपके पास नया कार्य आएगा जिसे आप संभाल पाएंगे। आप खुद का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।
राष्ट्रयोगी ज्योतिषियों के अनुसार आपके लिए दिन का सबसे भाग्यशाली समय 5:15 से 6:00 का समय है। सौभाग्य के लिए लाल रंग का आज यूज करिए। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। प्रिय मिथुन राशि, कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपके विचार करने की क्षमता पर प्रभाव डालेगी और आपको संदेहों से भर देगी। आपको ऐसा एहसास होगा कि आप मंदी और चिंताओं के समय में अपना कदम रख रहे हैं और आप विभिन्न मोर्चों पर सफलता की कमी की वजह से कुछ चिड़चिड़े हो सकते हैं। इस आलस्य से भरे समय की आप चिंता ना करें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपको हिदायत देते हैं कि चिंता करने के बजाय आप समय का लाभ उठाने की कोशिश करें। जितना हो सके आप अपना ध्यान अपने काम में केंद्रित रखें और जिंदगी के लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएंगे। नई योजनाएं बनाएं, जो योजना काम नहीं कर रही है उसको पीछे छोड़ दें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज अपने साथी के साथ बेवजह बहस करने से बचें। दोनों के बीच तनाव पड़ सकता है, जिसे कम करने के लिए आपको शांत रहना होगा और थोड़ा संयम बनाए रखना होगा। अपने साथी के गुणों पर ध्यान दें। अब बात करते हैं आपकी करियर की। आपकी क्षमता के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस मौके का लाभ उठाकर आपको अपने क्षेत्र की जितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है उतनी करें। साथ ही अपनी नई संस्था में भी आपको पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में आप अपने लंबे व तुरंत करने वाले कामों की सूची बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आज के दिन आपको नवीन व सकारात्मक वित्तीय विकास के संकेत मिलेंगे। ये किसी प्रकार की पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपना व्यवसाय भी चलाते हैं तब आज आय के नवीन स्रोत मिलने की उम्मीद है। इन वित्तीय संभावनाओं का लाभ उठाइए और अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कीजिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आप अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि तनाव आपको परेशान कर सकता है। आप कुछ शांति के पल भी निकालें ताकि आप आराम कर सकें और दिमाग को शांति मिले। अगर आप आराम करेंगे तभी आपके सभी कार्य अच्छी तरह आप कर पाएंगे। आज आपको अपने भाग्यशाली रंग के तौर पर हरा रंग यूज करना चाहिए। दोपहर 2:00 से 4:00 का समय आपके लिए सबसे भाग्यशाली माना जाता है। थैंक यू। प्रिय कर्क राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए आर्थिक दृष्टि से एक विशेष दिन का संकेत है। संभव है कि आप धन के प्रवाह का अनुभव करेंगे और ये अप्रत्याशित स्रोतों से हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्रोत क्या है, महत्वपूर्ण बात आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। एस्ट्रोयोगी के ज्योतिषी इन फंडों को भविष्य के लिए बचाने का सुझाव देते हैं और आपको सलाह देते हैं कि आप अनावश्यक रूप से चीजों पर खर्च ना करें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज अपने प्रेमी के साथ छुट्टी पर जाने के बारे में विचार करें। प्रेमियों के लिए उत्तर दिशा में प्रस्थान करना सबसे सही है। यदि आप छुट्टियों पर विचार कर रहे हैं तो इसी दिशा में जाएं। इस रोमांटिक छुट्टी का आनंद उठाइए। अब बात करते हैं आपकी करियर की। आज आपको कोई नई नौकरी या कोई नया काम अचानक ही मिल सकता है, जिससे आपको आश्चर्य होगा। आगे बढ़कर इसे पकड़ लें, क्योंकि इसके लिए समय शुभ है। आपकी कार्य क्षमता इस समय ऊंचाई के शिखर पर है और इस समय आप जो भी करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। अब बात करते हैं आपके वित्तीय स्थिति। आपकी कई दिनों से अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की जो इच्छा है वो आज पूरी होगी। ये आज आपको वेतन वृद्धि या बोनस के रूप में मिलेगी। इससे आपका न केवल बैंक बैलेंस बढ़ेगा लेकिन आप बेहतर तरीके से फ्यूचर के लिए निवेश भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ। आज आपको कुछ तनाव रहेगा जिसका आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसे दूर करने के लिए आपको तनाव कम करना होगा। जब आप फिर से दिमाग में शांति बना लेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। सफेद पहनना आज आपके लिए भाग्यशाली होगा। 6:00 से 8:00 का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। सिंह राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप अपने करीबियों की ओर थोड़ा प्यार और ध्यान देना चाहेंगे। आज आप परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। आपकी दोस्ती किसी से होगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ आज आप समय बिता पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। अपने साथी के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आप दोनों के संबंधों में अधिक गहरा और भरोसा लेकर आएगी। आप दोनों को जीवन का साथ में आनंद मिलेगा। आज आप रोजमर्रा की परेशानियों को भूल के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। हालांकि नया आप जो भी करना चाहें वो जल्दी करिए, क्योंकि आपका जो वर्क लाइफ है वो भी काफ़ी बिजी रहने वाली है।
तो आपको वहां भी ध्यान देना होगा। तो आज थोड़ा मिक्सडअप रहेंगी चीजें। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लेनी चाहिए। नियमित आय के आपको नए तरीके ढूंढने चाहिए। आज आपको बोनस या अतिरिक्त आय के साधन की प्राप्ति की सूचना मिलेगी। इन प्राप्तियों का आनंद लीजिए क्योंकि ये आपकी कड़ी मेहनत का ही प्रतिफल है। आप खुद पर संयम बना के रखें ताकि आपको कोई शारीरिक परेशानी ना हो, खासकर तब जब आप दूसरों से अपनी परेशानी छुपाते हैं। आप तनाव की स्थिति अपने दिमाग में ज्यों के त्यों बनाए रखेंगे। आज आप तनाव कम करें जिसका अच्छा असर आपके स्वास्थ्य पर जरूर दिखेगा। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि आज गुलाबी रंग का यूज करके आपके लिए लकी है। सुबह 10 से 12:30 का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि वालों, चंद्रमा कर्क राशि में होने के वजह से आज लोग आपकी दया वाले स्वभाव का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए अपनी उदारता और भोलेपन को संतुलित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि दया दिखाना और उदारता करना आपकी पहली संपत्ति रही है, परंतु अपने स्वभाव का लाभ किसी को ना उठाने दें। कोई आपका फायदा उठा के चला जाए ऐसे बेवकूफी ना करें बिल्कुल, क्योंकि आज हो सकता है लोग आपके सामने बिचारे बन के आए और आपका फायदा उठाए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी का कहना है कि ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों से आपको अपना संतुलन बनाए रखना होगा। अपने तनाव को कम करें, इससे आपको अपने आप में जुड़ने की मदद जरूर मिलेगी। आप अपने आप को पहचान पाएंगे। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। अपने परिवार से अपने प्रेमी के बारे में बात करने का ये उचित समय है। ये समाचार विनम्रता पूर्वक उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर व सभी पहलुओं पर सोच विचार करने के बाद ही है। अब बात करते हैं आपके करियर की। कोई नई योजना शुरू करने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहेगा। अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से कोई नई योजना या नया काम आपके मार्ग में आ सकता है। इससे आने वाले समय में आपको लाभ जरूर होगा। आज का दिन आपको सुनिश्चित रूप से उस प्राप्ति अथवा पदोन्नति के अवसर देगा जिसके विषय में आप लंबे समय से सोच रहे थे। आज अपनी गुणवत्ता का पूरा उपयोग कीजिए जिससे आपको लेकर किसी प्रकार की नकारात्मक बातें ना हो सके। इस समय सभी को प्रभावित करने का है, तो अपना श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए चल पड़िए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ। आपकी नकारात्मक सोच आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। इससे आप महसूस करेंगे कि ये आपको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जीवन का आनंद लेने में भी कठिनाई पहुंचा रही है। आपको इन सभी बातों से छुटकारा पाना होगा। अपने दिमाग पर संयम बनाए रखें। शाम 7 से 8 बजे का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। थैंक यू। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ को आंतरिक मूल्यांकन करने की जरूरत है। आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। एकांत में समय बिताना चाहेंगे। आप लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं। आराम करने के लिए आज का दिन अच्छा है। ज्यादा काम का असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ। यदि आप प्रेम के पहले एहसास का इंतजार कर रहे हैं तो यही सही समय है, किंतु एक बात का ध्यान रखिए कि प्रेम का अर्थ अन्य सभी संबंधों को भूलना नहीं है। अब बात करते हैं आपके करियर की। व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा और शुभ दिन है। आज आपको अपनी ताकत व रुझान का विश्लेषण करना चाहिए। इससे आने वाले समय में आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। आज का दिन आपको सुनिश्चित रूप से उस प्राप्ति अथवा पदोन्नति के अवसर देगा जिसके विषय में आप लंबे समय से सोच रहे थे। आज अपनी गुणवत्ता का पूरा उपयोग कीजिए। सभी नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। आज का दिन आपको कोई अच्छा व्यापारिक अवसर दिला सकता है। ये समय सभी को प्रभावित करने का है, तो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दूसरों के सामने करिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आप काल्पनिक विचारों को अपने लक्ष्यों के आगे ना आने दें। आपको ये समझना होगा कि काल्पनिक विचार कभी भी सच नहीं होते। आप बिना बात की बात से परेशान मत होइए, ओवर थिंकिंग मत करिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार वाइन रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा। सुबह 10:30 से 11:30 का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बहुत बहुत स्वागत है।
कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ लोग आज ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। अपने टारगेट को सेट करके काम करें। आज का दिन बाहर जाने के लिए सही है। आप क्रिएटिविटी से काम कर सकते हैं। ऑफिस में कुछ चेंजेस करने का आपका मन हो सकता है। अपने काम और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखिए। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। क्या आप अपने आप को विवाह से बाहर संबंध में लिप्त पा रहे हैं? ये समय निर्णय लेने का है कि आपके लिए क्या उचित है। क्या विवाह के बाहर आपका साथी उन सभी कठिनाइयों से बढ़कर है जो आपको व आपकी पत्नी को झेलनी पड़ रही हैं? इस प्रश्न को ध्यान में रख कर ही निर्णय लें। अब बात करते हैं आपके करियर। आप नई नौकरी पर विचार करना चाहेंगे। आप जिस नई नौकरी या नए काम की तलाश में हैं उस पर ठीक से विचार करें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सफलता का रास्ता टेढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस रास्ते पर चलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नई तकनीक का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। यदि आप व्यवसाय में हैं तब आज का दिन सुखद आश्चर्य की सौगातों को लेकर आएगा। यदि आप किसी पदोन्नति के विषय में इंतजार कर रहे हैं तब आज का दिन सही है। अपने प्रमुख को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपके लिए सही रिपोर्ट तैयार की है। ये पदोन्नति आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ। आप भूतकाल के बारे में सोचकर समय ना खराब करें। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर उपयोग करें। खुद को मानसिक तनाव से दूर रखें। सुबह 11 से 12 बजे का समय आपके लिए बहुत अच्छा है और शाम 6 से 8 का समय आपके लिए लकी होगा। सफेद रंग आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। थैंक यू। अगली राशि धनु राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमा आज कर्क राशि में है। आपको कुछ कठिन सिचुएशंस में अपना बचाव आज करना होगा। अपने जीवन में कभी कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशंस दिखेंगी जिसमें आपको अपने आप को बहुत एक्टिव रखना होगा। कभी कभी एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने की आवश्यकता भी होती है, लेकिन आज आपको विभिन्न कठिन परिस्थितियों से खुद को कैसे बचाना चाहिए इस पर जरूर विचार करना होगा। जैसे कि जीवन में हमेशा स्थिरता नहीं रहती है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वैसे ही कठिन सिचुएशन आएंगी भी और चली भी जाएंगी। यदि आप अपने रिलेशनशिप में कुशलतापूर्वक आज समझदारी से काम करते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज भी नहीं होंगे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिष का सुझाव है कि ये रणनीति और बचाव योग्य व्यवहार कुछ कूटनीति खुराक के साथ आपको इन कठिन परिस्थितियों में बहुत दूर ले जाएगा। अतः ये दिखाना आवश्यक है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार आवश्यक है। एक सामाजिक कार्यक्रम में आप अपने मन के मीत से आज मिल सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ आनंद उठाएंगे। हो सकता है ये जो इंसान आप जिससे मिल रहे हैं वही आपके सोलमेट हो। आगे चलकर आपका प्रेम संबंध विकसित भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। अगर आप इस समय बेरोजगार हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। जिस दिशा में नौकरी मिलने की उम्मीद है उस तरफ अपनी आंख और कान खुले रखें और जैसे ही कोई नया मौका मिले उसे तुरंत चपट लें। आज के दिन आपको नवीन व सकारात्मक वित्तीय विकास के संकेत मिलेंगे। ये किसी प्रकार की पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपना व्यवसाय भी चलाते हैं तब आज आय के नवीन स्रोत मिलने की उम्मीद है। इन वित्तीय संभावनाओं का लाभ उठाइए और अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्य को पूरा कीजिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ। आप तनाव के कारण परेशान हो सकते हैं। इससे बचने के लिए कुछ समाधान ढूंढें क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। ज्यादा उम्मीद और जलन आपकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। इन नकारात्मक चीजों को अपने आप से दूर रखें। आज सुबह 8:30 से 11:15 का समय आपके लिए लकी होगा और आज के दिन आपका जो लकी कलर है वो आपको बहुत सारे तनाव से दूर रखेगा। आपका लकी कलर हरा है, इस कलर को यूज करिए और काला रंग भी आपके लिए आज लकी रहेगा। थैंक यू। अब बारी आती है मकर राशि वालों की। बहुत बहुत स्वागत है आपका मकर राशि के जातक। प्रिय मकर राशि, आज का दिन संतुलन शांति और सद्भावना से भरा दिन होने वाला है। कर्क राशि में चंद्रमा के होने के कारण आपको ये सारे अनुभव प्रदान करेगा और साथ ही भाग्यशाली अवसर आपकी ओर लेकर आएगा। आपको चाहिए कि आप बीती बातों को भुला दें और इन शुभ घड़ियों का प्रयोग अपने बिगड़े हुए संबंधों को ठीक करने में लगाएं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि ये समय एक सजग वार्तालाप करने और संबंधों को ठीक करने हेतु अति उत्तम है। लिहाजा ठंडे दिमाग और समझदारी से काम लें। अपनी भावुकता को अपने कार्यों के बीच में ना आने दें।
अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप किसी को बेहद प्रभावित करेंगे। प्रारंभ में उनका ध्यान आकर्षित करना कठिन होगा, किंतु बाद में ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनी जाएगी। इस क्षण को व्यर्थ ना जाने दें, ये आपका जीवन भी बदल सकता है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपका फोन बज सकता है। अपने फोन के पास ही रहें, जिससे आप इस मौके को खो ना बैठें। इसके बाद आपको एक बार फिर इस बात पर विचार करना होगा कि आप पहली नौकरी के करें या फिर आप छोड़ें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आज काफी दिनों के बाद आप खरीदारी करने के लिए जाने वाले हैं। अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना भी ठीक है, लेकिन सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं है, तो संतुलन बनाए रखिए। आपकी सोच आपको ज्यादा परेशानी में डाल सकती है। आपको अपना तनाव दूर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो आप परेशान हो सकते हैं और आपके सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आज आपका शुभ समय सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच है। आज के लिए नीला रंग आपके लिए लकी रहेगा। थैंक यू। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि के जातक, जैसे कि चंद्रमा आज कर्क राशि में विद्यमान है, आज आपकी असाधारण संगठनात्मक क्षमता आपके सामने आ सकती है। आज आपका दिन अच्छी खबर लेकर आएगा, उसकी उम्मीद है, और आज ऐसा मौका आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आपका मूल्य आप साबित कर पाएंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त आप सकारात्मकता एवं रचनात्मकता से परिपूर्ण हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी कहते हैं कि इस समय का प्रयोग आप अपने लंबित समस्याओं को दूर करने में करिए, हल ढूंढने में करिए। आपकी गहरी सोच और चीजों की प्राथमिकता आपके लिए अच्छी साबित होगी। इससे भी ज्यादा लोग आपकी समझ और परिपक्वता के स्तर को देख कर प्रभावित हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ। यदि आप रोमांटिक एहसास का अनुभव कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा जीवन में अधिक प्रेम भरने की भी हो सकती है। बिना हिचकिचाहट अपने जीवन में आए नए व्यक्ति की ओर सकारात्मक रुख लेकर बढ़ें। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आप किसी नई नौकरी की खबर सुनने को बेताब हैं, तो वो खबर आपको आज मिल सकती है। अपनी सोच सकारात्मक रखें। बुरे समय का सामना करने के लिए हमें अच्छी सोच की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज के दिन आप अपने आप को विलासिता में डूबने को चाहेंगे, कोई गहना खरीदना चाहेंगे या फिर कुछ और अधिक बड़ा खरीदना चाहेंगे। आप अपने आप को इस प्रकार के सुख अवश्य दे सकते हैं, परंतु इसमें भी अपने बैंक खाते की दिशा व दशा ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ। आप कुछ दिनों से ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए अब आराम करने का समय है। आप बिना बात छोटी चीजों के लिए भाग दौड़ ना करें और परेशान ना हो। आप तैयार रहें और पिक्चर देखने जाएं, अपने शरीर का ध्यान रखें, घूमने फिरने जाएं। आज आपके लिए प्रातः 9 बजे से 11 बजे का समय शुभ रहेगा। भाग्यशाली बनने के लिए और भाग्य को आकर्षित करने के लिए आज आपका रंग गुलाबी भाग्य को अट्रैक्ट करेगा। थैंक यू। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि। प्रिय मीन राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आप अपनी समस्याओं को बहुत दृढ़ संकल्प और साहस के साथ सुलझा सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि यदि आप मदद और समर्थन की तलाश कर रहे हैं, तो आज आपको अपने दोस्तों से संपर्क करना चाहिए। आज आपको अपने दोस्तों से मदद के लिए पुकार करनी चाहिए और शर्मीले और अंतर्मुखी होना बंद कर देना चाहिए। आप अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं। आपके दोस्त आपको बहुत ही ज्यादा समझते हैं और आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ। ये अपने करीबी को दिल का हाल बताने का सही समय है। आपको एक नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत या वर्तमान के प्रेम संबंध में अधिक निकटता का एहसास मिलेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपने किसी नई नौकरी के लिए आवेदन दिया है, तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। पुराने दोस्तों से इसमें आपका बहुत अच्छा मदद आपको मिलेगी। अगर आप पूरी तरह से सोच विचार कर आगे बढ़े, तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति। आपकी बढ़ी हुई आय सही जीवन जीने में मदद करेगी। भले ही आपको सही वित्तीय सफलता थोड़े दिन के बाद मिलने वाली है, लेकिन आप आज ही विलासिता पर खर्च करने के लिए तैयार हैं।
ये तो तय है कि आज आप इन वस्तुओं का सही आनंद अवश्य ले सकते हैं। आज व्यस्तता के बाद भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु इसका फायदा ना उठाएं। आप शरीर की मालिश करा सकते हैं, कुछ मानसिक क्रियाएं करिए जिससे आपको अच्छा महसूस हो और आप ऊर्जावान बने रहें। आज के लिए आपका शुभ रंग पीला रहेगा। 5:30 से 6:30 के बीच का समय आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। ये राशि पर चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के दर्शकों के लिए बहुत ही खास ऑफर, आप अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन पा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, वो भी 100% प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करके एस्ट्रो योगी ऐप या फिर लॉगिन करके astroyogi.com पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रो योगी ऐप या फिर लॉग इन कर लीजिए astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।